इस थड़ा साहिब ते बैठ के गुरु रामदास जी ने अमृत सरोवर की खुदवाई कराई। इत्थे ही बैठ के श्री गुरु अर्जन देव जी ने सरोवर नू पक्का करवाया अते इस स्थान उपर बैठ के कार सेवा की निगरानी करते सन अते संगतां नू सिखी उपदेश दिंदे सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी लिखण लई जो गोइंदवाल साहिब तो पोथियां लियांदियां गईयां सन उन्हां नू भी लिया के सब तो पहला इसे स्थान ते रख्या गया सी। आओ तुहानू दसदे आं इत्थों दा पूरा इतिहास। तुसी दर्शन कर रहे हो थड़ा साहिब 68 तीर्थ। यह स्थान दुख भंजनी बेरी दे बिल्कुल नाल सुशोभित है। इस स्थान उपर समत 1634 सन 1577 ईस्वी नू श्री गुरु रामदास जी ने विराजमान होके अमृत सरोवर की खुदवाई करवाई। एक माघ समत 1645 सन 1588 ईस्वी विच श्री हरिमंदर साहिब की नींव रखी गई सी। श्री गुरु अर्जन देव जी श्री हरिमंदर साहिब जी की उसारी अते सरोवर नू पक्का करन समय भी इस स्थान उपर बैठ के कार सेवा की निगरानी करते सन अते संगतां नू सिखी उपदेश दिंदे सन। सवेरे शाम इत्थे दीवान भी सजदे सन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना हित भाव श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू लिखण समय गोइंदवाल साहिब जी तो गुरबाणी दीआं पोथियां लिया के सब तो पहला इस स्थान ते सुभायमान कीतियां गईयां सन। इसे स्थान ते श्री गुरु अर्जन देव जी ने समत 1657 सन 1600 ईस्वी विच वजीर खां दा जलोधर दा रोग बाबा बुढ़ा जी दे हत्थीं कार सेवा दी टोकरी सुटवा के दूर कीता सी। इत्थे ही श्री गुरु अर्जन देव जी ने रामकली राग विच 68 तीर्थ जह साध पग धार है शब्द इत्थे ही उचारिया सी, जिस दा मतलब है कि जिस स्थान उपर संत भाव साध जन बैठदे हन ਉਹ ਸਥਾਨ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 68 ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਣੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।